पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखें अब घोषित हो गई हैं, जिसके बाद बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग से बंगाल में अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति करने की मांग भी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आखिरकार तय हो गई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख। चुनाव आयोग के फैसले का कैलाश विजयवर्गीय ने किया स्वागत। विजयवर्गीय ने की अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त करने की मांग। विजयवर्गीय ने जताई चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका। पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए मोर्चा संभाल रहे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ ही बंगाल के हालातों को बखूबी समझने वाले विजयवर्गीय ने चुनाव के दौरान पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त करने की मांग भी चुनाव आयोग से की है। नमस्कार, बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर ली है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पान बढ़ाया जाए, क्योंकि तो सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते। और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूँ कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए आप अतिरिक्त बल के साथ साथ वहाँ अतिरिक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें, जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वाच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके। पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही मध्य प्रदेश के कई नेताओं को संगठन ने अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी बंगाल के कुछ जिलों का प्रभार सौंपा गया है। चुनाव तारीख तय होने के बाद मिश्रा ने ममता बनर्जी की ओर से तारीखों के लेकर खड़े किए जा रहे सवालों पर क्या कुछ जवाब दिया, जरा आप खुद ही सुनिए। सवाल उनकी हार के सवाल है। संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करना, सेना पर सवाल खड़े करना, हार जाए तो ईवीएम पे सवाल खड़े करना, वैक्सीन आ जाए तो वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करना, ये एक ही फितरत है। ये हार के पूर्व की बौखलाहट है जो सवाल खड़े कर रही है। पिछली बार 6 चरण में हुए, इस बार 7-8 में हो जाएंगे, कौन सा पार्ट टूट जाएगा। वो जानती है कि अभी से अगर मैं सवाल खड़े नहीं करूँगी तो हारने के बाद क्या बहाना बनाऊंगी। ये बहाने की तैयारी है हार की। और मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूँगा पश्चिम चुनाव आयोग से, तत्काल सेंट्रल रिजर्व फोर्स लगाई जाए। जिस तरह से वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीतिकरण हुआ, वो तिलिस्म टूट जाना चाहिए। जो माफिया राज था वो तिलिस्म टूट जाना चाहिए। जनता का राज आ रहा है, सिंहासन खाली करो, ये भाव जाना चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का गढ़ भेदने की तैयारी में जुटी भाजपा अपने इस लक्ष्य में कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।